SRM टुडे शहर की आवाज। गुजरात में एक नाबालिग के साथ हुई दुष्कर्म की घटना ने तूल पकड़ लिया है, जिसके चलते गुजरात में अपना रोजगार चलाकर गुजर बसर करने वाले गैर गुजरातियों को वहां से मार मार कर पलायन करवाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। देखिए ये रिपोर्ट। विगत दिनों गुजरात में एक नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें एक बिहारी लड़के के कुकृत्य का खामियाजा सभी गैर गुजरातियों को गुजरात से पलायन कर भुगतना पड़ रहा है, जिसमें गुजरातियों का आक्रोश बाहरी लोगों के खिलाफ साफ साफ देखा जा सकता है। जी हाँ, गुजरात में मध्य भारत और अन्य प्रदेशों से आए काम करने वाले गरीब मजदूरों को, जो कि अपना रोजगार चलाने के लिए वहां गए थे, उन्हें अब इस दुष्कर्म की घटना के बाद गुजरात से मार मार कर भगाया जा रहा है। इस संबंध में गोपाल सिंह एवं कैलाश राठौर ने बताया कि गुजरातियों में अन्य प्रदेशों से आए काम करने वाले लोगों के प्रति काफी आक्रोश देखा जा रहा है और मार मार कर उन्हें वहां से पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसमें मंदसौर के कुछ गरीब मजदूर भी शामिल हैं, जो घटना के बाद मजबूरन अपने घर लौटने को मजबूर हुए हैं। गुजरात में 2007 से रह रहा था मैं वहाँ, और अच्छे लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और हमसे अच्छे रहते थे। बाकी जो भी एक रेप की घटना चल रही है उससे लेकर किसी बिहारी ने रेप की घटना हुई है, एक व्यक्ति की वजह से सारे जो बेचारे MP के लोग थे, हम थे, और उधर वो झगड़ा हो रहा है, और हम हमारे गुजरात के अंदर अच्छा धंधा चल रहा था, बाकी MP के अंदर वापस आए तो जब से MP के अंदर कोई धंधा नहीं है, और गुजरात के लोग हमसे अच्छे प्यार से रहते थे, बाकी उधर से मार मार के भगा रहे लोगों को। आप कहीं का धंधा करते थे और यहाँ कब आए आप? 2007 से कर रहे थे उधर। कई का कर रहे थे? ब्लैंकेट का कर रहे थे, बेडशीट वगैरह, चटाई वगैरह, और वापिस गुजरात से वापिस लोग भगा रहे हैं उधर से एक घटना को लेकर। तो एक व्यक्ति की वजह से सारे व्यक्ति बेचारे परेशानी में है, और इधर कोई धंधा नहीं है MP के अंदर। तो इधर MP में नहीं चलता क्या कंबल वगैरह धंधा? नहीं चलता है, चल रहा है लेकिन वो बात नहीं है जो गुजरात के अंदर चल रहे थे। गौरतलब है कि पूरे भारत में लगातार नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं घटित होती जा रही हैं, जिसमें मंदसौर के दुष्कर्म मामले की उलाहना भी दी जा सकती है और अन्य शहरों की भी। यही कारण है कि गुजरात में दुष्कर्मियों से अपनी बच्चियों को बचाने के लिए वहां के लोग ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन यह गलत है कि किसी एक दुष्कर्मी के कुकृत्य का खामियाजा अन्य निर्दोष लोगों को उठाना पड़े। इसलिए शासन को चाहिए कि वह लोगों के इस तरह पलायन करने पर कोई उचित कदम उठाए और पलायन किए गए लोगों के लिए उचित व्यवस्था कर उन्हें राहत प्रदान करे। अभी जो पूर्व में मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है कि गुजरात में भी एक घटना हुई है, 12 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना, उसमें एक बिहारी लड़के का नाम आया जिसने उस घटना को अंजाम दिया है। तो इससे पहले भी मंदसौर में भी एक 6 महीने पहले ऐसी घटना हो चुकी है जिसमें बालिका के साथ बलात्कार हुआ था। तो मेरी ये शासन प्रशासन से मांग है कि ये जो कानून है इस कानून को सख्त बनाया जाए, और अभी जो सोशल मीडिया है सोशल मीडिया पर थोड़ा सा बैन लगाया जाए, गलत घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है, पोर्न साइट पे बैन लगाया जाए, और कोई भी व्यक्ति अगर ये घटना करता है तो उसमें पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश कहीं ना कहीं जिम्मेदार नहीं होता है। जिसने ये घटना करी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, और वहाँ जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है मार कर, क्या नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे MP के लोग भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी की घर गृहस्थी, किसी के घर उजाड़ के हम लोग ऐसे काम नहीं कर सकते। कल तो ये होगा कि आप हमें देश के बाहर भी भगा देंगे, वो नहीं होना चाहिए। ये जो बलात्कार के जो आए दिन हो रहे हैं किस्से, ये मतलब आए दिन हम मीडिया चालू करते हैं, न्यूज़ चालू करते हैं, तो एक किस्सा ये नेट फिक्स है कि हमें मिलना है। तो कृपया हम चाहते हैं, सरकार से हमारा अनुरोध है कि इन सरकारों से
कि कम से कम इन पर इतना बैंड लगा दें, ये फोन साइडें हैं जो मोबाइलों में, जो बच्चे बच्चे आजकल स्कूल भी मोबाइल ले जा रहे हैं, इन फोन साइडों पर इतना बैंड लग जाए कि हमें क्या चलाना है ये भी तय हो जाए, कि बच्चों तक क्या पहुँचे, बच्चों तक जो संस्कार पहुँचने चाहिए वो नहीं पहुँच रहे हैं और अश्लीलता पहुँच रही है। ना तो कोई कपड़ों पर रोक है, ना किसी चीज़ पर है, ना घर वाले कोई रोक लगाते हैं, बच्चियाँ जैसा मर्जी पड़े वैसा पहनती है, और पोर्न साइट अगर बैंड होएगी तो निश्चित ही बलात्कार जैसे आरोपों पर कुछ पाबंदियां लगेगी। और सरकार से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो आपने नियम और जो सरकारों ने नियम बनाए और जो सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें थोड़ा सा संशोधन और होए और 2 से 3 महीने में इनको फांसी हो। चूँकि मंदसौर की जो 6 साल की बच्ची थी उसकी घटना को भी अभी 7 महीने हो चुके हैं, फांसी की सज़ा हुई है मगर उन लोगों को अभी फांसी नहीं हुई है, वो जेल भी अपना घर समझकर आराम से रह रहे हैं। उनको अगर फांसी होती है और वो फांसी पर लटकते हैं तो कुछ और जो अपराधी तैयार होने की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को डर सा बना रहेगा और वो अपने दड़लों में बैठे रहेंगे। गुजरात में घटना हुई है 12 साल की एक बच्ची के साथ में रेप की घटना, और बिहारी लड़के ने एक घटना को अंजाम दिया। वहाँ के लोग जो MP के लोग हैं, गुजरात और भी कहीं राज्य से जो आए हुए वहाँ पर रहने, उन लोगों को मार के भगाया जा रहा है, क्या कहना है इस बारे में? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, वो ठीक है वो था बिहारी, पर वो कोई भी हो वो राक्षसी कहलाएगा इन चीज़ों में। और मेरा सरकार से, गुजरात सरकार से भी ये निवेदन है कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, वो हम उसे दुराचारी ही कहेंगे और राक्षसी कहेंगे, क्योंकि जो इस तरह के कृत्य करता है वो राक्षसी होता है। और मेरी सरकार से ये है, सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन पर जल्दी से जल्द कोई कानून लाए, और मोदी सरकार से मेरी बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, मैं उनसे चाहूँगा ये कानून वो लाए कि बच्चों पर जो अभद्र और मारने की जो कोशिश हो रही है बलात्कार के बाद, इन चीज़ों पर बहुत जल्दी बैंड लगे और सरकार बहुत जल्दी कोई नियम और कानून लाए। भारत में जो है दिन पर दिन बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसका मुख्य कारण ये है कि अपने यहाँ जो है रेप को लेकर कानून सख्त नहीं है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से फास्टैग कानून बनाया उसमें जो है जल्द से जल्द सजा तो हो जाती है, लेकिन खाली कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाती है, उसको सजा नहीं हो पाती है। आज तक कभी जो है फास्टैग के माध्यम से फांसी पे किसी को लटकाया नहीं गया, इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि जो बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसको लेकर अपराधियों में थोड़ा भय का माहौल बने, उसको लेकर जल्द से जल्द सजा होना चाहिए। गुजरात में एक रेप की घटना हुई, इस बारे में क्या कहना है? गुजरात में जो है 10 से 12 दिन पहले एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना घटी, उसको लेकर वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, और वहाँ से जो है वो युवक शायद बिहारी था, इस वजह से बाकी भी बिहार के जितने लोग वहाँ पर अपना रोजगार चला रहे थे और छोटा मोटा व्यापार करके अपना काम चला रहे थे, उनको जो है वहाँ से भगाया जा रहा है और गुजरात से निकाला जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है उनको सजा होना चाहिए। बाकी जो आम जनता है या जिनका कोई दोष नहीं है उसमें, उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए उन नागरिकों को। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।